मौसम में परिवर्तन के दौर के बीच जिले भर में मौसमी बीमारियों ने अपने पांव पसार दिए हैं। कभी तेज गर्मी तो कभी आंधियों के बीच तापमान में प्रतिदिन परिवर्तन आने के बाद लोग मौसम जनित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। चिकित्सालय की ओपीडी निरंतर बढ़ने के बाद गुरुवार को चिकित्सालय में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई। पर्ची काउंटर से लगाकर चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मेले सा माहौल रहा। बाड़मेर जिले में मौसम परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। तेज अंधड़ और तापमान में अचानक बढ़ोतरी के कारण इन मौसमी बीमारियों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे जिला अस्पताल की ओपीडी पर भी अतिरिक्त भार पड़ता नजर आ रहा है। गुरुवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में स्वास्थ्य जांच के लिए आई रोगियों की कतारें नजर आईं। वहीं रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी रोगियों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। अलग अलग चिकित्सक की जांच के लिए आए रोगी चिकित्सकों को घेरे नजर आए। इसके साथ ही अस्पताल परिसर के एक्सरे रूम, दंत जांच कक्ष, वहीं पर्ची काउंटर, निशुल्क दवा योजना के काउंटरों पर भी भारी भीड़ नजर आई। हालांकि इन रोगियों में कोरोना एवं गंभीर बीमारियों के लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बी एल मंसूरिया के अनुसार निरंतर मौसम में बदलाव और तापमान में बढ़ोतरी के कारण मौसमी बीमारियों के मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे जिला अस्पताल की ओपीडी बढ़कर 2500 से पार पहुंच गई है। डॉक्टर मंसूरिया के अनुसार मौसम परिवर्तन के कारण सरदर्द, सर्दी जुकाम एवं बुखार के अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही डॉक्टर मंसूरिया ने अस्पताल में आने वाले लोगों से मेडिकल एडवाइजरी का पालन करने की भी अपील की। परिवर्तन के साथ में जनरली ओपीडी बढ़ती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपीडी नहीं बढ़ी है, 200-250 के आसपास की जो है वृद्धि हुई है। बाकी जनरली 1700-1800 रहती है, अभी 2000 और प्लस में रहती है। किस प्रकार की बीमारियां मुख्यतः सामने? मुख्यतः बीमारियां जो हमारे यहाँ तो सर्दी जुकाम, उल्टी, डायरिया वगैरह, ये चीज़ें जो कॉमन होती है मौसमी कोई वगैरह। तो अभी जो गर्मी का सीजन शुरू होगा, हीट स्ट्रोक के पेशेंट आने की संभावना रहेगी, तो अपने आप को जो है गर्मी से बचाव करें। और मौसमी बीमारियों का तो जो परिवर्तन हो रहा है, मास्क पहनना सबसे बेटर है कि कम से कम रेस्पिरेटरी डिजीज को तो अपन जो है प्रिवेंट कर ही पाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व के दिनों की अपेक्षा पिछले 4-5 दिनों से जिला अस्पताल की ओपीडी बढ़कर करीब 1.5 गुना हो गई है। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर के चलते अस्पताल प्रबंधन भी बिना मास्क पहने लोगों पर सख्ती बरतता नजर आ रहा है और बिना मास्क पहने आने वाले लोगों का अस्पताल में प्रवेश निषेध रखा गया है। हालांकि अस्पताल में बढ़ती भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का नियम यहाँ हवा हवाई होता नजर आ रहा है।